नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर, जहां समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट पर उम्मीदवार फिर बदल दिया है। मेरठ लोकसभा सीट पर सपा ने सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, उसके बाद अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया और अब मिली जानकारी के मुताबिक सपा ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। योगेश वर्मा सिंबल लेकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ से मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं। वही अखिलेश के इस फैसले पर अतुल प्रधान ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर अतुल प्रधान ने लिखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निर्णय होगा वो स्वीकार्य है। तो मेरठ में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बदल दिया है, जहां पूर्व विधायक की पत्नी सुनीता वर्मा अब लोकसभा चुनाव में हुंकार भरती हुई मेरठ से नजर आने वाली है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में मेरठ में चुनाव होने हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है, और ऐसे में आज नामांकन के आखिरी दिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है वो बदल दिया गया है। और तकरीबन 1 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब सुनीता वर्मा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जाएंगी। मथुरा से 2024 के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी से सुरेश सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन किया है। वही नामांकन करने के बाद उनके समर्थकों ने माला और पटुका पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही प्रत्याशी सुरेश सिंह ने कलेक्ट्रेट में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मेरा पहला मुद्दा है कि हमारा सांसद स्थानीय होना चाहिए और मथुरा का विकास होना चाहिए, ये मेरा मुद्दा रहेगा मुख्य। विकास के मामले में देखते हैं तो आप रोड ख़राब है, मैं तो गांव में रहता हूं, कभी कभी मथुरा आता हूं, स्थिति ख़राब है, लोग बाहर से आते हैं उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हमारे यहां जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कोई परेशानी होती है, वो लोग अपने सांसद से मिल नहीं सकते, समस्याओं को बता नहीं सकते। तो मेरे ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी जितनी भी समस्या हमारे प्रवासी मथुरावासियों को हैं, मैं उनके समस्या का समाधान करने के प्रयास करूँगा। MP ऑन द डोर,